close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hello guys, and welcome back to our channel. So, आज की ये सीरीज़ होने वाली है समथिंग न्यू. सो ये होने वाली है हमारी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप, और हमारा डेस्टिनेशन है सिंगापुर. और हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर एयरवेज से. एक्चुअली विस्तारा हम लोग पहले देख रहे थे विस्तारा का करें, बट ऑलमोस्ट सेम प्राइस में हम लोग को सिंगापुर एयरवेज मिल रहा था. सो हम लोगों ने सोचा वो ही करते हैं. सो वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट एंड इमिग्रेशन और सब हो गया है. इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है. मैं एक्चुअली बहुत डर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ये, तो मुझे था कि अरे क्या पूछेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट ज़्यादा कुछ नहीं पूछा. सिर्फ पूछा गया कहाँ पे जा रहे करके. सो दैट्स इट. एंड डॉक्यूमेंट्स में भी सिर्फ पासपोर्ट, बोर्डिंग पास एंड देन वीज़ा, दैट्स इट. बाकी कुछ भी नहीं लगा. सो क्या, सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है. कल्पेश तो आई गेस ऑफिस ट्रिप्स पे जाके आया, बिजनेस ट्रिप्स पे जाके आया, बट मेरा द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. Six and a half hours later. Hello and good morning. So we have reached to Singapore airport, Changi airport. Yes, और अभी सिंगापुर में बजे है सुबह के 9. हम लोग का मुंबई से रात को 1 बजे का फ्लाइट था, जो डायरेक्ट फ्लाइट था. सो हम लोग ऑलमोस्ट 5 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए, 5:30 hours. सो अभी इमिग्रेशन भी हो गया हम लोग का. सो इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे एक सिंगापुर अराइवल कार्ड पहले सबमिट करना पड़ता है. सो हम लोगों ने वो पहले ही भर दिया था एक्चुअली ऑनलाइन. सो 3 डेज़ पहले आप अपनी जर्नी से कर सकते हो ऑनलाइन भी, देन आपको यहाँ पे आके वो टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. सो हम लोगों ने वो ही किया था. उसका लिंक भी हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड अभी फिर इमिग्रेशन हो गया इमिजिएटली, कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछे, वो सिर्फ पासपोर्ट चेक करते हैं. एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं MRT स्टेशन और देखते हैं. फिर पहले हम लोग को MRT कार्ड भी लेना है. आगे का प्रोसेस हम लोग जैसे भी फेस करेंगे आपको अपडेट कर देंगे हम लोग आपको. स्टे ट्यून. अभी हम लोग कौन से एक्सपो स्टेशन पे है. सो चंगी एयरपोर्ट से हम लोगों ने डाउन, हम लोग का चंगी एयरपोर्ट वाला ग्रीन लाइन है और हम लोग को ब्लू लाइन पे जाना था. तो नेक्स्ट स्टेशन ही चंगी एयरपोर्ट से ब्लू लाइन को कनेक्ट कर रहा था, तो हम लोग वहाँ पे आए हैं. एंड रिगार्डिंग इजी लिंक कार्ड, सो आपको एयरपोर्ट के थर्ड टर्मिनल पे आपको एक काउंटर दिखेगा, बट आपको वहाँ पे बहुत कॉस्टली हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया. एंड दे हैव ओनली टूरिस्ट पास विच कॉस्ट अराउंड $48, एंड वो 3 डेज के लिए होता है. उसके बाद आपको वापस टॉपअप करना पड़ता है. सो बेस्ट वे है कि आप MRT स्टेशन पे जाओ डायरेक्टली, एंड देन वहाँ पे ही इजी लिंक कार्ड मिलेगा आपको. सो वो कुछ तो $10 का था और हम लोगों ने $20 का टॉपअप भी करके लिया है, बिकॉज हम लोग 7 डेज के लिए हैं यहाँ पे. सो बेटर है अगर आपको MRT से जाना होगा तो वहीं पर MRT स्टेशन पर जाके कार्ड ले लो. ट्राई अवॉइडिंग टू बाय दैट कार्ड ऑन द टर्मिनल पे. एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का. सो लेट्स सी, नीचे जाना है ना शायद हम लोग को नीचे जाना है. ये ग्रीन लाइन का है ऊपर जो प्लेटफॉर्म है, और नीचे वाला प्लेटफॉर्म ब्लू लाइन का है. और ये हम लोगों का स्वागत सिंगापुर में बारिश ने किया है. जोरदार बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग जाते हैं ब्लू लाइन. रिसोर्ट पहुंच गए, बट यहाँ पे चेक इन का टाइमिंग है 3 बजे का. तो हम लोगों ने लगेज सबमिट कर दिया, तो अभी भूख तो लगी है जोरों से. तो प्लान है कि अभी 7-Eleven ढूंढते हैं, सिम लेते हैं. उसने बोला कि 30 सेकंड्स के डिस्टेंस पे, बट हमें दिखा नहीं.
बट कहीं पे मैप पे हम लोगों ने देखा है किधर है वो, अभी ढूंढने हम लोग को कहा है तो हम वहाँ से सिम ले लेंगे. और हम लोग ब्लू लाइन से, हमारा होटल इज अराउंड फोर्ट कैनिंग स्टेशन है उसके अराउंड 400 मीटर्स पे था, तो हम लोगों ने वहाँ से ही स्टेशन से उतर के फिर वॉक करके ही होटल तक आए हैं. सो अभी लेट्स सी लंच के लिए क्या मिलता है यहाँ पे. फाइनली हमें रूम मिल गया है, तो अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं. बहुत थक गए यार, अभी रूम में जाके थोड़ा अभी सोना पड़ेगा नहीं तो एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाएगी हम लोग की. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And 2,000 years later. After lunch, हम लोगों ने फिर resort में ही गए return. हाँ, तो सीम 7-11 से सीम लिया हम लोगों ने, और फिर बहुत थक गए थे हम लोग, तो लकीली उन्होंने हमें 1 बजे हम लोगों को चेक इन दिया रिसोर्ट में, तो फिर हम लोगों ने जाके थोड़ा रेस्ट किया, बहुत टायर्ड थे हम लोग. तो अभी फ्रेश हो के हम लोग अभी घूमने निकले, तो अभी 5:30 बजे, तो अभी प्लान ऐसा, एक तो बहुत हम लोगों को चाय की तलब लगी है, चाय और कॉफ़ी. यार इधर यही प्रॉब्लम है, जो इंडियन लोगों को जो स्ट्रॉन्ग चाय, अदरक वाली चाय या फिर फिल्टर कॉफ़ी वगैरह चाहिए, तो ये मिल नहीं रही यहाँ पे, तो इसकी वजह से नींद ही नहीं खुल रही ऐसे लग रही है. तो फिर अभी हम लोगों का प्लान है कि चाइना टाउन पे एक काया कू समथिंग, काया टोस्ट का एक शॉप है जो 6 बजे बंद होगा, तो हम लोग फटाफट जाते हैं, फिर विल हैव फिल्टर कॉफ़ी एंड टी देयर. और फिर उसके बाद हम लोग मरीना बे ऑब्जर्वेशन डेक जाने वाले, तो फिर आगे आगे बताते हैं हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So we are at Chinatown now. So इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड, हमें यहाँ पे मॉल पे आजू बाजू कुछ रेस्टोरेंट्स मिले, तो वी हैड आवर स्नैक्स एंड कॉफ़ी टी हियर इन टोस्ट बॉक्स. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मर्लिन पार्क देखने, और अभी खाना तो खा के हो गया है, स्नैक्स भी हो गया, टी कॉफ़ी भी हो गई है, तो अभी मर्लिन पार्क जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑब्जर्वेशन डेक देखने. यहाँ से 800 मीटर्स पे है मर्लिन पार्क, सो हम लोग यहाँ से फिर वॉक करके जाएंगे. लेट्स सी, होपफुली अंधेरा ना हो जाए हम लोग जाने तक, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6:20 ऑलरेडी. सो लेट्स सी, और फिर वहाँ से हम लोग मरीना ऑब्जर्वेशन डेक जाने वाले हैं, और वहाँ पे होपफुली हम लोग को नाइट शो भी देखने मिले. वो 8 बजे का है, बट हमारा जो स्लॉट है 7:30 का है. सो लेट्स सी, अगर वो ऑब्जर्वेशन डेक से नहीं देखने मिला तो फिर नीचे जाके फिर देखना पड़ेगा बाहर से. सो होपफुली हम लोग प्रे कर रहे हैं कि हम लोग को ऊपर से ही देखने मिले वो. तो जहाँ पे भी काया टोस्ट मिलता रहेगा, तो यू कैन हैव कॉफ़ी एंड टी देयर. और काया टोस्ट इज मस्ट ट्राई. नॉर्मल ब्रेड रहता है और विद ब्रेड एंड उनका एक स्पेशल जैम है, उसके साथ वो प्रिपेयर करके देंगे. इट्स वेरी टेस्टी एंड ज़्यादा हेवी भी नहीं है, लाइट है, तो आप करें.
till I get up. Time is barely on our side. यहाँ पे आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा और यहाँ पे बारिश कभी भी होती है. देखो अभी भी बारिश होके गई है यहाँ पे. तो ऑलवेज कैरी अ गुड शूज. और फिर अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो फिर ये प्लेस आपके लिए नहीं है. आपको फिर हमेशा कैब लेनी पड़ेगी और कैब यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है. तो बी रेडी फॉर वॉक इफ़ यू आर कमिंग टू सिंगापुर. यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स इतने बड़ी बड़ी और मतलब लिटरली स्काईस्क्रेपर. फर्स्ट टाइम लाइफ में इतने बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं. और यहाँ पे आपको लग्जरियस कार लाइक पोर्श, फरारी, इवन यहाँ पे तो डिलीवरी बॉय भी लिटरली 500 एंड 600 सीसी वाली बाइक्स कैरी कर रहे हैं. मतलब यार बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेस है ये. तो देर इज स्लाइट चेंज इन अवर प्लान. तो बहुत लेट हो रहा था मर्लिन पार्क जाके फिर से मर्लिन पार्क जाके फिर ऑब्जर्वेशन डेक जाने के लिए. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज ही सीधा अभी ऑब्जर्वेशन डेक में ही जा रहे हैं. और फिर डे 3 में हमें म्यूज़ियम भी करना है. तो म्यूज़ियम के बाजू में ही है मर्लिन पार्क. सो बेटर है फिर वो दिन पे अच्छा सा हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे. तो अभी सीधा हम लोग जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक. और ये देखिए नज़ारा यहाँ का. A few moments later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. तो गाइस ऑब्जर्वेशन डेक देख के हो गया है. तो हम लोग अभी लोपासा आए हैं. तो ये कौन सा एमआरटी स्टेशन? देलोंग अय्यर. हाँ, देलोंग अय्यर समथिंग एक स्टेशन है, वहाँ से नज़दीक है. तो ये हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया है. ये पैड थाई चिकन नूडल्स है विथ प्रॉन्स. और ये इट्स श्रेडेड प्रॉन चिकन. सो ये हम लोग को दोनों डिशेस $5.9 पे, मीन्स $5.9 ईच. तो क्वांटिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ज़्यादा क्वांटिटी एंड टेस्टी भी लगा मुझे. तो अभी खाते हैं फटफट और फिर रिसोर्ट में जाके ब्लॉग एंड करते. तो आपको पूरा ये डे का हम लोग डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करते, तब तक हम लोग खा लेते. सो अभी हम लोगों का डिनर करके हो गया है और हम लोग होटल पहुँच गए हैं. सो आपको ये बताना ही रह गया था कि जो हम लोगों ने सिम कार्ड लिया था वो 7-Eleven से लिया. एंड अप्रोक्स क्या कॉस्ट था उसका? $24 पड़े दो सिम कार्ड के. विच इज़ वैलिड फॉर $12 फॉर ईच सिम कार्ड. और फिर विच इज़ वैलिड फॉर 7 days और 100 GB डेटा मिलता है वहाँ पर. सो और जैसे ही हम लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है सिम, तो वो भी इशू नहीं है कि टाइम लगेगा या ऐसा कुछ भी. तो हम लोगों ने आज पूरा दिन वो फिर इनिशियली हम लोग को बहुत इशू हो रहा था कि मैप नहीं चल रहा था. जैसे ही सिम एक्टिवेट हो गया हम लोगों ने फिर हर जगह पे गूगल मैप यूज करके ही ट्रैवल किया. यस, बट यहाँ के गूगल मैप आपको बहुत घुमाएंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी हम लोग वही मर्लिन पार्क जाने वाले थे. फिर अचानक से हम लोगों ने प्लान चेंज किया और फिर हम लोग जा रहे थे ऑब्जर्वेशन मरीना ऑब्जर्वेशन पार्क. सो हम लोगों ने सोचा कि वॉक करके ही जाते हैं गूगल मैप देख देख के. बट गूगल मैप ने जो हम लोग को घुमाया है कि गूगल मैप एक्चुअली अंडरग्राउंड रूट कवर नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे मॉल्स इंटरकनेक्टेड है टूवर्ड द डेस्टिनेशन. तो वो वाले रूट्स गूगल मैप पे नहीं दिखाते. तो बेटर है कि आप किसी लोकल को या फिर जो पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं आप किसी को भी पूछ लो, सिक्योरिटीज को पूछ लो कि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव डेस्क वहाँ पे अवेलेबल है. तो यू कैन आस्क एनीवन. तो वो इजीली आपको गाइड कर देंगे कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, या फिर वो बता देंगे कि ये MRT स्टेशन से जाओ, वहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा. क्योंकि अगर गूगल मैप पे आपको दिखेगा कि हाँ 700-800 ही मीटर है तो वी कैन वॉक फॉर 5-10 मिनट्स, बट
वो नहीं है 5 to 10 minutes का वॉक, क्योंकि वो घुमाते ही रहेगा, आपका डेस्टिनेशन आएगा ही नहीं कभी। एंड अगर आपको मरीना बे सैंड जाना है ऑब्जर्वेशन डे, तो डायरेक्टली बे फ्रंट स्टेशन जाइए, MRT स्टेशन से ही वो हार्डली 3-4 minutes का वॉक है। सो अगर आपको जाना है तो वही स्टेशन पे उतरना और जाना, वो हार्डली कुछ है। बट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1/2 hour वॉक किया, वो ढूंढते बहुत घूम के चले गए। बट यस, बहुत वर्थ है। और हम लोग जब गए तब ऑब्जर्वेशन डेक पे वो लाइट शो भी था नीचे मरीना बे, तो वो भी एक हम लोग को प्लस पॉइंट मिला। बट या ऑब्जर्वेशन डेक इज रियली वर्थ। और सिंस हम लोग अभी नाइट में गए थे तो बहुत अच्छा दिख रहा था, सब लाइट्स थी एंड ऑल। सो दिस इज इट फॉर day 1। कल हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर ज़ू, सो उसके भी डिटेल्स हम लोग आपको कल दे देंगे। So that's it. This is the end of the day 1. And stay tuned. And if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel and share with your friends. Till then, bye guys and enjoy. So hello guys and welcome to Singapore. हॅलो गाईज अँड वेलकम टू अवर चॅनल। नाही कुठे बघायचं या मला हे 6979 6 days 7 days का ट्रिप होणे वाले रे यायला माझ्या टायमाला बोलायचं कैला 2-3 बजे का टायमिंग। तो काय ते नाव काय होतं त्याचं, ते जैसी सिम यूज करणार।